अगर आप एक पावर लिफ्टर हैं, आज हम देखने वाले हैं कि आप ये अपने लिए कैसे एक पावर लिफ्टिंग होम जिम बना सकते हैं। मुझे पता है यार कि अगर आपको पावर लिफ्टिंग करना पसंद है, देन आपको नॉर्मल जिम्स में इतने अच्छे ऐसे बारबेल्स नहीं मिलते, प्रॉपर रैक नहीं मिलता जहाँ पे ऐसे सेफ्टी स्पॉटर्स हो, तो फॉर अ पावर लिफ्टर टू हैव अ होम जिम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट द गुड थिंग इज बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट ऑफ पावर लिफ्टिंग आपको ज्यादा इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत है। तो गाइज, एज अ पावर लिफ्टर द फर्स्ट थिंग दैट यू वॉन्ट इज अ वेरी गुड बारबेल, 29 29 mm बारबेल विच इज वेरी वेरी गुड एग्रेसिव नॉल्डिंग। द सेकेंड थिंग दैट यू नीड इज पावर रैक और अ स्क्वाट रैक विथ सेफ्टी पिन्स। लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग, आप अगर पावर लिफ्टर है तो आप देखेंगे आप लोग कुछ ऐसे चीज पे स्क्वाट या फिर बेंच करते हैं, दैट इज गुड। बट लेट मी टेल यू कि अगर आप घर पे होम जिम बनाने वाले हैं, विच मीन्स आप अकेले ट्रेन करने वाले हैं, राइट, आप लोगों को पता होगा कि इस टाइप के इक्विपमेंट में आप लोग सेफ्टी स्पॉटर आर्म्स यूज नहीं कर पाते हैं। अगर यूज कर भी पाते हैं, उस पर अगर आप वेट ड्रॉप करते हैं, देन वो पूरा उलट जाता है। दिस इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अ पावर लिफ्टिंग स्क्वाट रैक, एंड होम जिम के लिए आपको पावर लिफ्टिंग स्क्वाट रैक बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च होते हैं इसमें। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इस पे जो स्पॉटर आर्म सिस्टम है दैट इज नॉट गुड एट ऑल। अगर आप बेंच या फिर स्क्वाट फेल करते हैं तो ये स्पॉटर आर्म्स आपको नहीं बचाएगा। तो गाइज, इन दैट केस आपको एक स्क्वाट रैक या फिर पावर रैक ही खरीदना है। द नेक्स्ट थिंग वी कम इज ऑफकोर्स आपका फेवरेट पावर लिफ्टिंग के वेट प्लेट्स, दीज आर फ्रॉम चैलेंज। तीन कंपनी है जो पावर लिफ्टिंग के वेट प्लेट्स बनाती है, ठीक है। नंबर वन इज चैलेंज, नंबर टू इज परफॉर्मर, नंबर थ्री इज चैलेंको। आप पावर लिफ्टिंग के वेट प्लेट सेम होते हैं, ठीक है, सिर्फ लोगो डिफरेंट होता है। ऑल ऑफ दिस पावर लिफ्टिंग प्लेट्स आर मेड हियर इन कोलकाता वेयर आई लिव, तो इन सभी दे आर ऑल द सेम, जस्ट लोगो डिफरेंट होता है। दी नेक्स्ट थिंग दैट यू वुड वॉन्ट टू बाई इज अ बेंच, ठीक है। बट अब ये आपके ऊपर है कि आपको एक ऐसा फ्लैट बेंच खरीदना है या फिर इंक्लाइन बेंच खरीदना है, दैट इज कम्प्लीटली अपॉन यू। बट आई वुड से वन थिंग, आपको अगर बेंच खरीदना है देन यू आर लुकिंग फॉर अ बेंच जिसका डायमेंशन आपके पावर लिफ्टिंग बेंच के डायमेंशन जितना ही हो। पावर लिफ्टिंग बेंच के जो डायमेंशन है उसका हाइट होता है 17 इंचेस। क्या होता है क्या इस ज्यादातर इंक्लाइन बेंचेस में जो हाइट होता है दैट इज नॉट 17 इंचेस, दैट इज अराउंड 18 to 20 इंचेस। तो अगर आपको हार्डकोर बेंचिंग करना है, पावर लिफ्टिंग अगर आपको स्पेक्स चाहिए, तो वो आपको शायद सिर्फ फ्लैट बेंच पे ही मिल पाए। दिस फ्लैट बेंच राइट हियर इट्स नॉट ग्रेट फॉर पावर लिफ्टिंग, ये बहुत ही कम दाम का बेंच है फ्रॉम अमेजोन टू बी ऑनेस्ट। बट इसका हाइट 17 इंचेस है एंड दिस कैन टेक अप अ गुड अमाउंट ऑफ लोड। एंड द लास्ट थिंग दैट यू वुड वॉन्ट टू बाई इज नॉट दिस एंड द लास्ट थिंग दैट यू वुड वॉन्ट टू बाई इज अ डेड लिफ्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर आप घर में डेडलिफ्ट करने वाले हैं, अगर आप सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते, आपको एक डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है डेडलिफ्ट करने के लिए। गाइस, आप बात करते हैं कि आपको कौन सा बारबेल खरीदना है, ठीक है। पावर लिफ्टिंग बारबेल के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, नंबर वन इज बुलडॉग फिटनेस, नंबर टू इज सीच फिटनेस विच इज दिस बारबेल। बुलडॉग फिटनेस के सारे बारबेल आर ओवर 20,000, बट दिस बारबेल फ्रॉम सीच फिटनेस इज एग्जैक्टली द सेम एज द बुलडॉग बारबेल्स, बट इसका प्राइस है 16,500, वेयर एज बुलडॉग फिटनेस का बारबेल्स के प्राइस है अराउंड 20,000 और 20,000 के ऊपर भी जाते हैं अगर आप एक डिफरेंट फिनिश लेते हैं बारबेल का। ज्यादातर पावर लिफ्टिंग बारबेल्स इन इंडिया आर ओवर 20,000, बट दिस बारबेल फ्रॉम सीच फिटनेस इज 16,500 एंड आई लव दिस बारबेल यार। एग्जैक्टली द सेम स्पेक्स एज ऑल द अदर बारबेल्स, बट अराउंड 3,000 से 4,000 रुपये चीप है, दैट इज वाई आई रियली रियली लाइक दिस। इस बारबेल का नर्लिंग इज वेरी वेरी शार्प, जैसे कि आप देख रहे हैं यार, तो डेडलिफ्ट के समय तो यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। 29 mm, आई लव दिस बारबेल गाइस। अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं फॉर अ बारबेल रिकमेंडेशन, आई विल ऑलवेज ऑलवेज रिकमेंड यू दिस बारबेल ओवर एनी अदर बारबेल। आप बुलडॉग का भी बारबेल खरीद सकते हैं, बट यू आर पेइंग 3,000 to 4,000 rupees मोर एक्स्ट्रा। पावर लिफ्टिंग बारबेल के लिए माई नंबर वन चॉइस विल बी द चीफटन बारबेल फ्रॉम सीच फिटनेस। अब रैक की बात करते हैं, ठीक है। रैक विल डिपेंड ऑन योर बजट, टू बी ऑनेस्ट। आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो विद अ स्क्वाट रैक और अ पावर रैक, ठीक है। स्क्वाट रैक्स और पावर रैक्स गाइस अगेन विल वेरी अकॉर्डिंग टू योर बजट। 20,000 से लेके 60,000 तक स्क्वाट रैक्स और पावर रैक्स सब कुछ अवेलेबल है, बट इट विल डिपेंड ऑन योर बजट कि आपको कौन सा लेना है। आप जो ये जो मेरे पीछे रैक देख रहे हैं, दिस रैक इज फ्रॉम सीच फिटनेस
एंड ये रैक आपको अराउंड 27,000 रुपीज का पड़ेगा। सीज फिटनेस हैज ऑल्सो मेड अ न्यू पावर रैक विच इज प्राइस्ड एट 24,000 एंड लुक समथिंग लाइक दिस। दे हैव डन अ 250 kg ड्रॉप टेस्ट ऑन दिस पावर रैक विच आई थिंक ज्यादातर लोग 250 kg स्क्वाट या फिर बेंच प्रेस तो छोड़ ही दो भाई, 250 kg स्क्वाट नहीं कर पाते हैं। दिस पावर रैक विल बी माई नंबर वन रिकमेंडेशन ईयर। आई गॉट दिस बिकॉज तब ये रिलीज नहीं किया था, नहीं तो भाई मैं यही खरीदता टू बी ऑनेस्ट। That will be my number one recommendation. For power racks guys, I again guys recommend Siege Fitness because the price to value ratio is just unbeatable. I will leave Siege Fitness's Instagram down below. आप उनके Instagram पे जाके देख सकते हैं। They have a wide variety range of power racks. And if you use my code Raha Fitness, then you will get their power racks at a cheaper price. जैसे कि this Gladiator power rack from Siege Fitness is around 25,000, but if you use my code, you will get this power rack at 24,000. The next thing जो आपको खरीदना है, that is of course weight plates. Weight plates guys, मैं आज तक weight plates guys ऐसे अभी के लिए अभी तक Amazon पे available नहीं था, but recently they are now available on Amazon. तो मैं directly Amazon का लिंक नीचे छोड़ दूंगा, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं बिकॉज Amazon से खरीदना ज्यादा रिलायबल होगा इन माई ओपिनियन। नीचे Amazon का लिंक छोड़ दूंगा, आपको 25 kg, 20 kg, 15 kg, 10 kg, 5 kg, 2.5 kg और 1.25 kg भी मिल जाता है। इससे भी नीचे मिल जाता है 1 kg, 0.5 kg, आपको सब कुछ मिल जाएगा Amazon पे, मैं लिंक छोड़ दूंगा नीचे। द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर इज अ गुड फ्लैट बेंच। दिस बेंच आई बॉट फ्रॉम Amazon, ठीक है। ये एक फोल्डेबल बेंच है, मतलब यहाँ से अगर आप इसको नॉब को खोल दे देन ये एंड फोल्ड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस बेंच को एज एन इंक्लाइन बेंच यूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बेंच प्रेस नहीं करते देन आई डू रेकमेंड कि आप यू कैन गो विद दिस फ्लैट बेंच। Amazon पे आपको 2,800 रुपए का पड़ेगा एंड फॉर दैट प्राइस दिस इज अ प्रीटी गुड बेंच। वन कॉर्न ऑफ दिस बेंच आप देखिए, इस एंड पे आप देख रहे हैं ऐसे एंगुलर हो जा रहा है, ये कभी कभी ऐसे लूज हो जाता है। आप कम दाम में एक फ्लैट बेंच खरीद रहे तो ऐसा ही होगा, आप कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। आई एम गोइंग टू बी लिंकिंग ऑल दी गुड बेंचेस दैट आई हैव फाउंड ऑन Amazon, जैसे कि दिस बेंच फ्रॉम कोबो, दिस इज अ वेरी वेरी स्टेबल बेंच एंड 6,000 से 7,000 रुपए में दिस फ्लैट बेंच इज अमेजिंग, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर डूइंग सम हैवी बेंच प्रेसेस। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे जितने भी फेवरेट फ्लैट बेंचेस फ्रॉम Amazon है सब कुछ लिंक कर दूंगा। एंड द लास्ट थिंग दैट यू वुड वॉन्ट टू बाई इज अ डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। आई हैव मेड अ वीडियो प्रीवियसली कि आप घर पे ही कैसे एक डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है। बट गाइज इफ आई एम बींग ऑनेस्ट विथ यू, मैंने जितना सोचा था ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म उतना वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है इन माई पर्सनल ओपिनियन। डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म डज नॉट डू अ गुड जॉब ऑफ डैम्पनिंग द नॉइस, आपको इससे भी मोटा लगेगा। ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म इज अराउंड 30 mm थिक, बट 30 mm थिक से नहीं होगा, आपको मिनिमम 45 mm से लेकर 50 mm थिक एक प्लेटफॉर्म लगेगा। अगर आप 200 kg के ऊपर डेडलिफ्ट करते हैं यू विल नीड अ थिकर डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म देन दिस टू डू प्रॉपर डेडलिफ्ट। ये प्लेटफॉर्म मेरे को बनाने में अराउंड 5,000 रुपये पड़ा, बट इसको और भी थिक बनाने में और एक और कुछ अच्छे इससे भी थिक मैट्स लगाने में आपको अराउंड 10,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। अगर आप सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बस एक दो मैट लगा के डेडलिफ्ट करूँ, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग गाइज, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, यू नीड अ गुड डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म। ओवरऑल गाइज इफ यू आस्क मी, आई थिंक इफ यू आर अ पावर लिफ्टर यू शुड बाई योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम Siege Fitness बिकॉज द क्वालिटी एंड द वैल्यू फॉर मनी दैट दे आर प्रोवाइडिंग इज रियली अनबीटेबल। अगर आपको ये बारबेल खरीदना है, दिस बारबेल इज 17,000, बट विथ माई कूपन कोड यू विल गेट दिस बारबेल फॉर अराउंड 16,500। रैक के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये रैक आप खरीद सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू गेटिंग दैट न्यू पावर रैक। मैंने जो भी प्रोडक्ट अभी तक मेंशन किया है मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा अलॉन्ग विथ माई डिस्काउंट कोड, सो दैट यू बींग अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल गेट द प्रोडक्ट्स एट अ चीपर कॉस्ट। अब गाइज अगर आपको इस बारबेल या फिर रैक, वेट प्लेट कुछ का भी रिव्यू देखना है इस पूरे होम जिम में, आप जो भी देख रहे हैं, देन गो चेक आउट दिस प्लेलिस्ट राइट हियर, यहाँ पे मैंने सब कुछ का डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है। बाय बाय।